केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोकसभा में हाल ही में कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान देश का कोई भी बच्चा ऑनलाइन शिक्षा से वंचित नहीं रहा। ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। जावड़ेकर ने यह भी दावा किया कि ऑनलाइन शिक्षा हासिल करने के मामले में भारत दुनिया के तमाम देशों से आगे है। बकौल मंत्री जी, अब तो 5 साल के बच्चों की पढ़ाई से लेकर विश्वविद्यालय तक की हर चीजें ऑनलाइन हो गई है। इसके अलावा वर्तमान समय में भारत में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए 34 चैनल चल रहे हैं, जिसमें से 22 उच्च शिक्षा और 12 स्कूली शिक्षा दे रहे हैं। आइए इस कड़ी में तफ्तीश से बात करेंगे कि ऑनलाइन शिक्षा पर किए गए मंत्री जी के दावे में कितनी मजबूती है। कोरोना महामारी जैसी वैश्विक आपदा के दुष्प्रभाव की वजह से देश के लगभग 32 करोड़ छात्र छात्राओं को स्कूल जाने से रोक दिया गया, जिसके बाद एक नई चुनौती बनकर सामने आई ऑनलाइन शिक्षा। ऑनलाइन शिक्षा को चुनौती हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कई प्रकार की खामियां हैं जिसको वर्तमान समय में दुरुस्त करने की जरूरत है। एक उदाहरण से समझिए, दिल्ली विश्वविद्यालय ने हाल ही में निर्देश दिया था कि वह अपने अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा आयोजित कराएगा। इसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ ने एक सर्वे किया जिसमें 50,000 छात्रों ने हिस्सा लिया। इसमें 85% से अधिक बच्चों ने ऑनलाइन परीक्षा के लिए नकारात्मक जवाब दिया। जब दिल्ली विश्वविद्यालय की हकीकत ऐसी है तो देश के बाकी हिस्सों का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब आंकड़ों के माध्यम से स्थिति को परखते हैं। वर्तमान समय में उच्च शिक्षा के लिए छात्र छात्राओं की विश्वविद्यालयों तक पहुँच की संख्या काफ़ी कम है। भारत में उच्च शिक्षा में क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो महज 26% है, जो ज़्यादातर देशों से कम है। इसी क्रम में दी एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन यानी असर 2018 की रिपोर्ट बताती है कि देश के ग्रामीण इलाकों में 5वीं क्लास के आधे बच्चे ही 2री क्लास की किताबों को पढ़ पाते हैं। सर्वे के दौरान सिर्फ 28% बच्चे ही गुणा भाग के सरल सवाल का हल निकाल सके। इंटरनेट की मौजूदा स्थिति भारत के डिजिटल इंडिया को कितना डिजिटल बना पाई है, जिससे कि हमारे छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा आसानी से उपलब्ध हो पा रही है, यह आपको इस आंकड़े से आसानी से पता चल जाएगा। नेशनल सैंपल सर्वे 2017-18 के आंकड़े के मुताबिक सिर्फ 42% शहरी और 15% ग्रामीण घरों में ही इंटरनेट की सुविधा है। इसमें देश के सिर्फ 2 राज्य ऐसे हैं जहां ग्रामीण इलाकों में 40% घरों में इंटरनेट की सुविधा है। ये राज्य हिमाचल प्रदेश और केरल हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय 2017-18 के एक सर्वे के मुताबिक भारत के 16% घर ऐसे हैं जहां 1 से 8 घंटे तक ही बिजली मिल पाती है। वहीं 33% घर ऐसे हैं जिनको 9 से 12 घंटे बिजली मिल पाती है। सर्वे में ये भी बताया गया कि भारत में अभी तक महज 11% घरों में ही कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट जैसी डिवाइसेस उपलब्ध हैं। यह आंकड़ा इस बात का अंदाजा लगाने के लिए काफ़ी है कि जिन बच्चों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वो लॉकडाउन की वजह से स्कूल कॉलेज न खुलने से किस कदर पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं। अगर सरकार की इंटरनेट योजना की बात करें तो ग्रामीण भारत में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की शुरुआत साल 2014 में किया गया था, जिसका लक्ष्य 2.5 लाख ग्राम परिषदों को आपस में कनेक्ट करना था, जिसके तहत 6 लाख से ज़्यादा गांव आते हैं। इस योजना को पूरा करने की डेडलाइन मार्च 2019 रखी गई थी, जिसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस योजना को पूरा करने में अभी साल भर की देरी है। हालांकि भारत सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की है, मसलन पीएम ई विद्या कार्यक्रम, मल्टी मोड डिजिटल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, टीवी चैनल, कम्युनिटी रेडियो और पॉडकास्ट इत्यादि। लेकिन इन सारी योजनाओं को मध्य में रखकर एक बात पर गौर करेंगे तो इन योजनाओं की बुनियाद बिजली और इंटरनेट पर ही जाकर टिकती है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जिस देश में इंटरनेट और बिजली की इतनी खस्ता हालत हो, उस देश में ऑनलाइन शिक्षा पर पूरी तरीके से कैसे निर्भर हुआ जा सकता है। इसलिए सत्ता में बैठे लोगों को समझना चाहिए कि हर चुनौती से निपटने के लिए उसका एक ही माध्यम ऑनलाइन नहीं हो सकता। इसमें शिक्षा तो बिल्कुल नहीं, इसके लिए ज़रूरत है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था की बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए।